अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम मोहम्मद फैजुद्दीन फारूकी है और आप से कई लोग मुझे जानते नहीं होंगे। मैं इस चैनल का एडिटर और कैमरामैन हूं और शेफ आमरा का बेटा। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो बाकी कुकिंग वीडियोस से काफ़ी अलग है और बहुत ऑफ टॉपिक है। आज जो हम व्लॉग बनाने वाले हैं वो मंडी के बारे में है। सुराग गोट मंडी जो कराची की इनफैक्ट एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। और अब बकरीद का सीज़न शुरू हो गया है और जो लड़के होते हैं उनको तो क्रेज़ है इस सीज़न का। तो आइए चेक करते हैं क्या चल रहा है मंडी में। बराबर वाले अंकल मुझे बड़ी तश्वीश निगाहों से देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और कैमरे से क्यों बातें कर रहा हूँ। मैं और बाबा मंडी के सफ़र के लिए निकल रहे हैं और हम SOPs का भी पूरा ख्याल रख रहे हैं। तो आप भी जहाँ कहीं पे भी जाएं SOPs का पूरा ख्याल रखें। और फिर जनाब मौसम के तो क्या ही कहने, क्या खूबसूरत मौसम हो गया। सुबह हल्की हल्की बारिश हुई और कराची में तो चिल मौसम हो गया बिल्कुल। और भाई जब हम मंडी पहुंचे हैं तब हमें पता चला है कि मंडी का तो फुल सीन ऑन है। आइए आप भी हमारे साथ देखिए। ओ कदे मिलता हसी, ओ कदे मिलता हसी, ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे ओ सोहा कदे मिलता हसी। मुझे फोन करी तू गोरा हाँ हजार बोकेश गोराई, मुझे फोन करी तू गोराई हजार बोकेश गोराई हाँ हाँ यानी आ जानी हाँ मजे तू रानी आ दसल मक जानी हूँ बार तो अच्छा बार तो अच्छा तो बार तो दिसा तो मुझे मुझे जानी मजे तू मन दे। ओ कदे मिलता हसी, ओ कदे मिलता हसी। मंडी में घूमने के बाद हमें पता ये चला कि मंडी में तो हर तरह का जानवर है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, महंगे से महंगा जानवर भी है और सस्ते से सस्ता जानवर भी है। यही चीज़ इस मंडी की खूबसूरती और यही चीज़ का खासा है। हम आए तो सिर्फ मंडी का एक आइडिया लेने आए थे और लोग जो बोल रहे थे कि मंडी के रेट बहुत हाई चले थे तो हम देखने आए थे कि क्या सिचुएशन है अभी। अभी तो बकरीद में बहुत दिन थे लेकिन हमने अपने मतलब के कुछ जानवर देखे, हम उनके पास व्यापारी के पास गए बात करने के लिए। और फिर मैंने की जानवर के साथ कैटवॉक। इस जानवर को तो तकरीबन सौदा डन हो गया था और मुझे तो ये बहुत पसंद आया था, मेरी तो इस पे आके सुई अटक गई थी। लेकिन अभी बाबा ने बोला थोड़ा हाथ हौला रखो, अभी तो बकरीद में काफ़ी दिन है। बाबा की एक्सपीरियंस एडवाइस फॉलो करके हमने मंडी थोड़ी और घूमी और फिर हम घर के जाने वापस रवाना हो गए। अच्छा व्यूवर्स, वीडियो के आखिर में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा कि हम इस चैनल पर काफ़ी चीज़ें सोच रहे हैं नया कंटेंट लाने की, जैसे फूड व्लॉगिंग हो गई इस टाइप की चीज़ें, और अम्मी की कुकिंग वीडियोस तो आते ही रहेंगी, और इस टाइप की भी ऑफ टॉपिक वीडियोस हम शायद बनाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक पत्थर का यूँ टुकड़ा लेना है या ईंट का पीस लेना है और ये लेके सब्सक्राइब के बटन पर मार देना है। जानी आ जानी हाँ मजे तू रानी आ दसल मक जानी हूँ बार तो अच्छा तो बार तो दिसा।